जय श्री महाकाल दोस्तों, ज्योतिष जगत के संक में आपका स्वागत है। इस संक में हम जानेंगे कि वेदों में या पुराणों में या उपनिषदों में महिलाएं रुद्राक्ष पहन सकती है कि नहीं, इस बारे में क्या कथन है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं ज्योतिष जगत बाय देव निरंजन। दोस्तों ये बात शुरू करने से पहले कि क्या महिलाएं या बुजुर्ग या फिर बच्चे रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं या नहीं, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रुद्राक्ष आखिर क्या होता है, इसकी तासीर क्या होती है और ये किस प्रकार से काम करता है। तो दोस्तों इस बारे में हमने पूरा एक वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको छोटी मोटी जानकारी दी जा रही है। रुद्राक्ष एक प्रकार से फल का बीज होता है और ये फल हिमालय में पाया जाता है और इसकी जो तासीर होती है ये गर्म प्रवृत्ति का एक बीज होता है। और अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए तो रुद्र के अक्ष यानी कि रुद्र का के जो आंसू है या रुद्र के जो पसीने की जो शक्ति होती है वो इसमें समाहित मानी जाती है। अब अगर हम वेदों की बात करें या फिर शास्त्रों की बात करें तो उसमें ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है कि इसको महिलाएं धारण नहीं कर सकती है। वेदों में या शास्त्रों में सिर्फ इसके धारण करने के बाद के नियम और इसके धारण करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ा बताया गया है। तो इसमें ऐसा कहीं भी स्पष्ट नहीं लिखा है कि महिलाएं या बच्चे या बुजुर्ग या रोगी इसको धारण नहीं कर सकते हैं। इसके कुछ नियम महिलाओं पे और पुरुषों पे दोनों पे ये नियम समान रूप से लागू होते हैं। अगर आपने रुद्राक्ष धारण कर रखा है तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा, वरना जो रुद्राक्ष की जो शक्ति होती है, जो पावर होती है वो समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों उसके कुछ मूलभूत नियम होते हैं रुद्राक्ष के, जैसे कि सबसे पहला जो नियम होता है वो ये होता है कि रुद्राक्ष की पवित्रता खंडित नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार से। जैसे कि कई लोग रुद्राक्ष पहन तो लेते हैं पर उसके बाद में नहाते नहीं है, आपको डेली नहाना पड़ेगा और उसके बाद में आपको पूजा पाठ भी करने पड़ेंगे, तो ये रुद्राक्ष के कुछ मूलभूत नियम हैं। दूसरा नियम ये है कि रुद्राक्ष पहन के आप शमशान में नहीं जा सकते हैं, जहाँ पर सूतक लगा हुआ है वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। तो ये इसके कुछ मूलभूत नियम हैं। अगर आप उसकी पवित्रता बनाए रखते हैं तो आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, भले ही आप स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चे हो, बुजुर्ग हो, रोगी हो। इसके अलावा उसका एक नियम ये भी है कि रुद्राक्ष हमेशा कुंडली दिखा के और लग्न के अनुसार या फिर आपकी जो समस्या है उसके अनुसार आप धारण कर सकते हैं। बस रुद्राक्ष आप जब भी धारण करें तो उसकी पूजन पाठ पूजन आप उसका पूरा करिए और उसके बाद में उसको उचित समय पे उचित वार में उसको धारण करिए और हमेशा उसकी पवित्रता बनाए रखिए, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, रुद्राक्ष वो धारण कर सकता है। सिर्फ एक लग्न का उसको ध्यान रखना है कि आपके लग्न को वो सूट होता है कि आपके लग्न को वो सूट होता है कि नहीं होता है और आपकी समस्याओं के निदान के लिए क्या वो सही रुद्राक्ष है या नहीं, इसलिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अगले अंक में आपको ज्योतिष से संबंधित या रुद्राक्ष है, रत्न है, इनसे संबंधित अन्य जानकारियां भी दी जाएगी। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।